नमस्कार दोस्तों, मैं सौरव आनंद आज आपको लेके चलने वाला हूँ एक एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध पानी का झील, जिसके बारे में शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हमारे बिहार में एक से एक ऐतिहासिक धरोहर है और एक से एक प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है, लेकिन सरकार एवं लोगों के नज़रअंदाज के कारण हम इस ऐतिहासिक विरासत और ऐतिहासिक सुंदरता को हम खोते जा रहे हैं। तो आज के इस खास पेशकश में हम आपको लेके चलने वाले हैं एक खास जगह, जहां लगभग 60 तरह की पक्षी की प्रजाति आती है और देखने में एक खास ही सौंदर्य नज़ारा है। तो चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं बेगूसराय की कांवड़ झील। कांवड़ झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वेटलैंड एरिया की झील है और यह पक्षी अभ्यारण बर्ड सेंचुरी भी है। इस झील को पक्षी विहार का दर्जा सन 1984 में बिहार सरकार ने दिया था। यह झील 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है। इस बर्ड सेंचुरी में 59 तरह के विदेशी पक्षी और 107 तरह के देसी पक्षी ठंडे के मौसम में देखे जा सकते हैं। यह बिहार राज्य के बेगूसराय के मंझौल में है। पुरातत्विक महत्व का बौद्धकालीन हर्षाइन स्तूप इसी क्षेत्र में स्थित है। बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को प्रकृति ने एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमें प्रदान किया था, लेकिन आज यह झील लुप्त हो रही है। बुजुर्ग कहते हैं 12 कोस बरेला 14 कोस कबरेला, अर्थात एक समय था कि बरेला की झील 12 कोस अर्थात 36 वर्ग किलोमीटर में और कबरेला की झील 14 कोस में अर्थात 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। इस झील से उत्तरी बिहार का एक बड़ा हिस्सा कई प्रकार से लाभान्वित होता था। ऊपरी जमीन पर गन्ने, मक्का, जौ आदि की फसलें काफ़ी अच्छी पैदावार देती थी। हजारों मल्लाह इस झील से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। झील के चारों ओर के करीब 50 गांव के मवेशी पालक मवेशियों को यहां की घास खिलाकर हमेशा दुग्ध उत्पाद में आगे रहते थे। ग्रामीण लोग झील की लड़कट से अपना घर बनाया करते थे। यह काम आज भी यहाँ होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस झील में एक से बढ़कर एक बिस्तर सर भी रहा करते थे। बिस्तर सांप के बावजूद आज तक कोई भी व्यक्ति यहाँ सांप के काटने से नहीं मरा। इसके पीछे एक देवी जयमंगला की शक्ति बताई जाती है, जो विष को भी अमृत बना देती है। झील के साथ ही माँ जयमंगला का मंदिर है, जहाँ आज भी एक बहुत बड़ा मेला लगता है।
कुछ साल से तो इस झील में घुटने भर भी पानी नहीं रहता। जहाँ पहले हजारों मछुआरे इस झील से अपना जीवन यापन करते थे, वहीं अब इस झील से 10-20 मछुआरों का भी जीवन यापन नहीं होता। 42 वर्ग किलोमीटर वाला यह झील 6 जुलाई को 1 किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गई थी। जहां साल भर खिले कमल झील की शोभा बढ़ाते थे, वहां आज बस मुट्ठी भर कमल दिखते हैं। विगत कुछ वर्षों से झील में जल संकट गहराता जा रहा है। गर्मियों में तो यह बिल्कुल ही सूख जाता है। इसका कारण है पर्याप्त पानी झील में ना इकट्ठा होना। बरसाती पानी बहकर नाले के जरिए पहले झील में गिरता था, परंतु अब इन नालों में गंदगी भर जाने से पानी झील तक नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ में आसपास की मिट्टी झील में आने से भी इसकी गहराई कम हो रही है। समय रहते यदि झील को बचाने के लिए प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाली पीढ़ियां इस झील का केवल नाम ही सुन पाएगी।